a surprise for you. Surprise? Kaisa surprise? Baitho na. कैमरे वैमरे तो लगे हुए हैं। पापा से ही बात कर लेती। हेलो। हाँ बेटे। हाँ जी पापा, आप पहुंच गए थे? हाँ बेटे, हम तो ठीक त्रिया पहुंच गए थे और शादी ब्याह का प्रोग्राम भी बहुत बढ़िया निपटने लग रहा है। और ऑफिस तक आ गई? नहीं अभी तो नहीं, ऑफिस में ही हूँ। हाँ निकलूंगी थोड़ी देर में। वो सब तो ठीक है, हमने आपसे एक चीज सिखाई है बचपन से, अच्छे घर के बालक टाइम तक आए रहे। चलो ठीक है पापा, आप दवाई खा लेना टाइम पे, मैं करती हूँ फिर बात, ठीक है? हाँ हाँ बेटा, हम दवाई खा लेंगे, कोई बात। राम राम। हाँ जी पापा, राम राम। तेरी आँखों का ये काजल, सुल्ताना चढ़ाई करेगा। ओहो दवाई ले आऊं भैया, जल्दी कंडोम का पैकेट दे देना यार। अरे भाई जल्दी का काम शैतान का। एक कंडोम का पैकेट दे दो प्लीज, कोई सा भी। हम अपनी मर्जी से नहीं देते हैं। कौन सा चाहिए? स्ट्रॉबेरी दे दो। स्ट्रॉबेरी नहीं, मैंगो दे दो। नहीं चॉकलेट, चॉकलेट दे दो। चॉकलेट नहीं। अरे यार कोई सा भी दे दो। मैंने बोला ना हम अपनी मर्जी से नहीं देते हैं, फिर कस्टमर शिकायत करता है कि ये क्या दे रहा है। बेटे तू इस पे वड़ा काट दे, एक्स्ट्रा रोटी डाला, देखना रहा चोरा कितनी जल्दी में बिना पैंट निकर में बाज का आ रहा है। अरे अंकल जी आप गलत समझ रहे हो। अरे बेटे मैं सब समझ रहा हूँ, अपने टाइम पे हम भी होया करते हो, क्या करो तुम पले हुए। अरे काम कर, मेरी और काट दो ताकत वाली दवाई। अच्छा नू तो बता चोरी किसी है? एक नंबर। जल्दी दे दे भाई। अच्छा सुन, किसी भी दिक्कत हो अंकल से बताइयो, आड़े होटल रॉयल इन में हूँ मैं। रॉयल इन? अरे मैं भी तो वही हूँ। फिर तो दोनों भाई मिलकर धूम बैठा देंगे। मतलब अंकल बेटा है, अल्लाह रे संभाल ला, संभाल ला तू जल्दी। ये लो आपकी दवाई। हाँ आप तू दे ला। आहा ये भाया ताकत का जुगाड़ है। अरे यो क्या गया कोंडम है? ओहो यो छोरे गल पन्नी बदल गई, तो ले काऊं परले कमरे में मोज ले रहा होगा सारा सामान ले का। बेटे आपकी वो पन्नी अरे यार मैं अंकल के बारे में बता रहा था, मस्त अंकल है भाई। अरे मेरे को लगा ही था ये पन्नी चीज़ है, एक सेकंड। अरे मैंने बताया था ना अंकल के बारे में, यार मस्त अंकल है और अंकल। ये वो।
चुप अंकल जी, तेरा तो मैं बक्कल से ताड़ दूंगा। मैंने कोजी मना हुआ है, एक करोगे बैठ। मैंने बहुत गलत फायदा उठाया हमारी दी गई आजादी का। अरे एक बात बता, बार में तेरे साइंस दुआई थी जिब ना पढ़ा गया तेरे 20-20 दिन तेरे ट्यूशन लगवा दिए जिब तो बोला पापा बहुत हार्ड है स्टडीज हार्ड है जिब ना ईब कौन से मरीज ठीक कर रही है तो ये लगते पैर गए हैं ये भी तार देती है भी क्या ना पैर थी। 5 मिनट रुक जाते हो तरी जाते हैं के क्या कही कुछ नहीं अंकल जी कह रहा हूँ गलत किया हमने काफी। अरे यो के सांग है ये क्या एल फैल पैर रही है नू बता हमने नू सोची जिसा बापू उसी माँ और उसी ये बेटी होगी तेरा सारे कुंबे में नाक कटवा दी मारी बेटी नू बता के कमी रह गई थी मारी परवरिश में। मुझे क्यों पता तुमने बुलाया ना इसे। अरे पागल हो गया मैं जानता भी नहीं झूठ बोल रहे हो तुम। अरे मुझे पता है तुम ही ने बुलाया। तुम लोगों में से धर्मेंद्र कौन है। धर्मेंद्र तो पापा डिस्कस्टिंग पापा ये रखो लो मुझसे ज्यादा जरूरत इसकी आपको है। चुप रहो तुम। बड़ा तो ख्याल रख लेते कुछ तो ख्याल रख लेते अपनी उम्र का। बेटे बोलूं कह रहा था। मैं बोल लूं अब मैं बोल लूं और क्या बोला था आपने परवरिश जैसा बाप होगा वैसी बेटी होनी चाहिए थी आपकी तो ये लो जैसा बाप है वैसी बेटी है। अरे मेरे को रुकना है कि अरे तू डट जा। बेटी मैं उन्हें कह रहा था अब अपनी मम्मी से मत बताइयो ना। बताऊंगी मैं मम्मी को सब बताऊंगी वहां मेरी माँ आपके लिए दुआ मांगने गई है आपकी लंबी उम्र के लिए। नहीं आंटी वैष्णो देवी अब चुप करके खड़े रहो यहीं पे। बेटे ले मैंने सब छोड़ दिया देख सब छोड़ दिया अपनी मम्मी से मना बताइयो बेटे देख मान जा मेरी बात। अब मैं मम्मी को आपके साथ अरे मेरे को रुकना है कि जाना है। तेरे घनी आग लाग रही है डटना जाता है एक मिनट। तो पंचायत लगा रखी है रेड पर की रेड। तू यहाँ क्या कर रही है कुछ ना डरा इन बात में पुलिस पीछे पड़ रही बात घर चल के बात करेंगे।